वेलकम बैक टू खाटियान फैमिली ब्लॉग्स गाइस। कैसे आप सब लोग बताइएगा ज़रूर। अभी जो है दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड अभी मैं किचन में हूँ। अरे चाय में अदरक डालना भूल जाती हूँ मैं रोज़ रख के जाती हूँ ना चाय। एक सेकेंड ना अदरक निकाल लूँ। तो इधर रखी हुई है चाय, ये मैं रख के गई थी, आटा करके गई थी, लड्डू का दूध कर दिया उधर, तो ये सारा मैं करके गई थी। फिर मैं जब तक वहाँ आटा करती हूँ ना मैं गीजर वाली टंकी खोल लेती हूँ जिससे कि नोटिफिकेशन आ गया था सॉरी, जिससे कि मैं जब तक आऊँ मेरी चाय भी बन जाए, टाइम ज़्यादा नहीं लगता ना। तो मैं नॉर्मल रोटी बना रही हूँ और तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, इनसे तो मिल लीजिए आप पहले, फिर मिलाती हूँ बाकी लोगों से। मस्त तो बैठे है अपना रिलैक्स्ड बिल्कुल चिल्ड। सो मैंने डाल लिया अदरक, फ्रिज में रख देती हूँ, मैं बनाऊंगी रोटी। दिखाती हूँ आपको लड्डू का हाल एक सेकेंड। आपको फेस नहीं दिखेगा क्योंकि वो कंबल के अंदर है और मम्मी जो छत पर है। पता है धूप बहुत हल्की हल्की निकलती है, अभी तो अभी जस्ट अभी आई है धूप, मैं नहा कर आई ना तभी आई धूप, नहीं तो धूप ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। ठंडी शुरू हो ही चुकी है, आप देखिए पता नहीं कब तक की है धूप, फिर निकलनी भी बंद हो जाएगी। फिर तो धूप में बैठ के जो रिलैक्सेशन मिलता था वो भी बिल्कुल ख़त्म, फिर तो बस वही करना है और अपना कंबल रजाई पकड़ो और उसमें से बाहर मत निकलो। तो अभी तो चल रहा है काम, देखते हैं कब तक चलता है। तो मैं बना लेती हूँ रोटी और देखिए मेरे फेस पर आपको खिचड़ी यहाँ पर दिख रही होगी ना, धूप ही आ रही है और ये लाइट्स मैंने नहीं निकाली, मैं रात को जलाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है ये वाली गेट की और ये वाली है इस वाले गेट की और बैठक वाले गेट की थी। ये वाली तो जलती ही है, इधर वाली लाइट ये नहीं जलती क्योंकि इधर वो कंप्यूटर का काम रहता है ना, वहाँ पे स्विच लगा रहता है, नहीं तो कंप्यूटर का स्विच नहीं लगा रहता तो चार्जिंग वाला लगा रहता, तो इसलिए ये तो कम जल पाती, लेकिन किचन की और बैठक की जल जाती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। अब जो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ नाश्ता, कचर कचर करूँगी बाद में। शाम का टाइम हो रहा है और टाइम लगभग हो रहा है 5:30 एंड अभी मैं जाऊँगी घूमने के लिए, मैं जो किचन के बाहर हूँ फिलहाल। सो खाने में देखती हूँ क्या बनेगा, आकर ही बनाऊँगी जो बनाऊँगी, आई डोंट नो, आई हैव नॉट डिसाइडेड। तो चलिए और चलते हैं। शॉल मुझे थोड़ा सा ले लेती हूँ गुड़, क्योंकि मेरी खाने की काफ़ी इच्छा हो रही है गुड़ खाने की, और अच्छा भी होता है, हेल्दी होता है। जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप ये खा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं निकाल लूँ। सो चलिए गाइज शॉल उठा लेती हूँ अपना, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है सच में। देखिए व्यू देखती हूँ आपको थोड़ा सा, ठंड शुरू हो चुकी है काफ़ी और
देखिए कोहरा आना शुरू हो गया अभी से ही, अभी से मतलब 5:30 ही हुआ अभी, और देख लीजिए धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा। पोल्यूशन तो है ही, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और आज मैंने बाल नहीं बहाए अपने, ऐसे ही है बस। सर में दर्द हो रहा था इधर हाफ साइड में ना, पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों होता है, समझ नहीं आ रही बात। तो आपका खाने पर ध्यान है बस। क्या ले रही थी क्या? नहीं क्या क्या चाहिए आपको? जो ले रही थी तो ले, हम भी खा लेते हैं। तो मुंह से मुंह मैं तो ये ले रही। क्या है ले दो। क्या दूं? केला खा देता है। केले से गुड़ पी लो। ये किस बात ये कितना कह रही तो दे दो। मैं कह रही हूँ मैंने तो कहा नहीं, आपने अपने आप ही हड़प लिया। सो अभी मैं करूँगी घूमी और आज तो धूप ना मानिए आप थी नहीं, आज धूप नहीं थी बिल्कुल भी। गुड़ और चना खा के देखिएगा, सर्दियों के टाइम में मूंगफली, तिल सकरी, गज्जक और क्या बोलता है नुक्ती, कुछ ऐसा बोलता है ना उन्हें, वाइट सी होती है वो, नुक्ती वो बोलते हैं उन्हें। और ये चने और गुड़ शक्कर ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो घूम रही हूँ मैं और फिर जाऊँगी नीचे, खाना वगैरह बनाऊँगी। एडिटिंग भी नहीं की मैंने, अभी करूँगी। जब मेरे सर में ज़्यादा दर्द हो गया ना, फिर मुझे पेन किलर लेनी पड़ी, तब जाके मुझे आराम हुआ, नहीं तो आराम ही नहीं हो रहा था। तो 5:30 से 6:30 तक तो मैं घूमूंगी, फिर खाना वगैरह जब जाऊंगी नीचे बनाऊंगी तो उसमें 1.25 घंटा तो लग ही जाएगा, 45 मिनट्स के लगभग लग जाते हैं, तो वो भी चीज़ करनी है मुझे। तो 8 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ 8 बजे तक अपना खाना खा लूँ। और ये देखिए गायें, सब लोगों ने यहाँ पे कचरा वगैरह फैला रखा है, देखिए कोई किसी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सबका यही काम है यहाँ पे। ओके तो चलिए गाइज, बातें बहुत कर ली, मैं अब घूम लेती हूँ और आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। बाय, गुड नाइट नहीं कह सकती आपको, अभी गुड नाइट हुई नहीं है, लेकिन बाद में तो बोल नहीं पाऊँगी, अभी बोल देते हैं गुड नाइट, टेक केयर।